शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेन्द्र प्रधान जी के साथ मैंने एक मीटिंग की थी, जिसमें हमारी नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद मध्य प्रदेश में विकास की दृष्टि से क्या क्या काम होना चाहिए, पीएम एक्सीलेंस कॉलेज की घोषणा की है, उसमें भी उनकी मदद की बात आई है। इसी प्रकार से ग्लोबल पार्क हमने जो बनाया है, उसमें कुछ IIT दिल्ली के माध्यम से उनके मार्गदर्शन में कुछ नए प्रोजेक्ट लिए हैं, उसके शुभारंभ के लिए माननीय धर्मेंद्र जी को बुलाया दिया है, उनने हाँ किए कि मैं आने वाला हूँ। इसी प्रकार से IIT सेटेलाइट हमारा अपना उद्यम में बनाने वाले हैं, उसकी सैद्धांतिक स्वीकृति भी हुई है। इसी के साथ एक इशू और हमने बताया कि हमारे उड़ीसा के एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी मध्य प्रदेश के असीरगढ़ में लगभग 33 साल से ज्यादा समय उनने गुजारा है, उस स्थान पे उनकी मूर्ति लगे और वो एक पर्यटन का केंद्र भी बने और उड़ीसा और मध्य प्रदेश के संबंध मजबूत हो। हमने निश्चित रूप से माननीय धर्मेंद्र जी के सुझाव के आधार पर उनकी मूर्ति लगाने का भी निर्णय किया और उस स्थान को डेवलप करने की बात भी कही। इसी के साथ साथ माननीय वित्त मंत्री से मुलाकात हुई, वित्त मंत्री ने हमको अपनी सरकार के द्वारा किए गए कामों के आधार पर जो हमने सुधार किए उस विषय को भी सामने रखा, उस आधार पर हमारी अपनी जो वित्तीय व्यवस्थाओं में जो मदद की बात है उन्हें आश्वस्त किया कि मध्य प्रदेश सरकार अच्छा काम कर रही है और वो वित्तीय कोई कठिनाई नहीं आने देंगे, भारत सरकार के द्वारा जो भी मदद मध्य प्रदेश सरकार मांगेगी वो पूरी मदद करेगी। तो एक अच्छी विजिट भी थी और एक ऑफिशियली कुछ देशों के लिए उनसे बात हुई है, मुझे पूरा भरोसा श्रीमती निर्मला वित्त मंत्री जी द्वारा। सर अब बजट भी शुरू होना है तो क्या बजट में भी इस तरह के प्रावधान किए कि मध्य प्रदेश को आर्थिक रूप से ज्यादा मदद की जाए? देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आग्रह है कि भाई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हमारे सभी प्रकार के बजट में विकास का परत भी होना चाहिए, शिक्षिता भी होना चाहिए, कार्यस्तर भी होना चाहिए और विकास उन्मुख बजट होना चाहिए। मैंने कोशिश की हमारी सरकार का बजट का अभी शुरुआत हुई और अगले सेशन के पहले पहले माननीय प्रधानमंत्री की जो मंशा है उन अनुसार हम अपनी सरकार का बजट भी लाएंगे और उम्मीद करेंगे भारत सरकार उसको पूरी मदद करेगी। यही हम इसका खाका बनाने के दृष्टि से आए थे, आउटलाइन बनी है उसका।